हेलो गाइस, मेरा नाम अनीश। तो गाइस, मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी। उस वीडियो में मैंने इस ड्रोन के अंदर कैमरा लगाना सिखाया था। तो उस वीडियो में मैंने इस ड्रोन के अंदर ये कैमरा लगाया था जो कि मैंने E88 प्रो ड्रोन से निकाला था। तो गाइस, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो कैमरा का लिंक्स दिया था वो था ये वाला कैमरा का और एक वाईफाई कैमरा का जो कि वायरलेस कैमरा है। तो फिलहाल ड्रोन के लिए जो है वो है ये कैमरा का, मैंने उधर लिंक दिया था। और पिछली वीडियो में जो ये कैमरा है ये मैंने दूसरे ड्रोन से निकाला था और ये कैमरा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या अमेजोन या फ्लिपकार्ट में। तो ये कैमरा सिर्फ अवेलेबल था, मैंने बहुत सारा सर्च किया इस कैमरा, तो मुझे ये कैमरा ही सिर्फ मिला और किसी कैमरा मुझे नहीं मिला। तो बस इसीलिए मैंने इस कैमरा को भी ख़रीद लिया हूँ। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कोई कैमरा खरीदते हो तो उधर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा जिसके अंदर इसका ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा और आप इस ड्रोन को अपने मोबाइल से फ्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस, जब मैंने इस ड्रोन को ख़रीदा तो इसके साथ मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिला, तो वीडियो में आगे आपको मालूम चल जाएगी। सिर्फ मुझे एक कैमरा मिला। आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा पार्ट टू वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वाला था पार्ट वन और यह है पार्ट टू वीडियो और इसके कैमरा के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि अमेजोन में सिर्फ यही कैमरा अवेलेबल है जो कि ड्रोन के लिए सिर्फ बना हुआ होता है। तो इस कैमरा को पूरा डिटेल में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, इस कैमरा के साथ आपको कुछ इस तरह का अमेजोन का बॉक्स मिलेगा। तो इधर लिखा है ओनली कैमरा, यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ कैमरा मिलेगा। और यह है एक कैमरा है पैंथम ड्रोन का। तो बॉक्स मैंने पहले से ओपन किया था तो फिर भी मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो आपको कैमरा कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में मिलेगा। तो इस फोम के अंदर है हम आपका कैमरा। लेकिन गाइस, इसके अंदर आपको कोई भी मैनुअल नहीं मिलेगा, कोई भी यूज़र मैनुअल क्या उस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कैमरा मिलेगा। तो आप इसका ऐप को कौन सा ऐप डाउनलोड करोगे तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, यही मेन टॉपिक है। तो आपको कैमरा कुछ इस पॉलीथीन में अंदर मिलेगा। तो आप देख सकते हो यह इसका कैमरा। तो यह 3 सॉकेट वाला कैमरा और ज़्यादातर ड्रोनों में आपको 3 सॉकेट वाला कैमरा ही मिलेगा। तो इसको हमने अलग से परचेस किया है सिर्फ कैमरा को। तो हर बार की तरह इस बार भी हम हमारे प्यारे फैल्कन ड्रोन के अंदर ही इस कैमरा को लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 3 सॉकेट वाला कैमरा लग सकती है कुछ इस तरीके से। तो इधर 3 सॉकेट है तो इधर आपको इंसर्ट करना है अपना कैमरा। तो ये सब तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया हूँ। तो अब आप इस कैमरा को किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हो। फिलहाल मैं ग्लू गन से फिक्स करूँगा। उससे पहले ड्रोन ऑन करने के बाद आपको कैमरा में एक रेड लाइट ब्लिंकिंग करेगी, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है लाइट की वजह से। तो फिर आपको अपने मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल करना है उसका नाम है, तो आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है, उसका नाम है GXFPV। तो आपको इस ऐप को इस कैमरा के लिए इंस्टॉल करना है। और GXFPV आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो तब तक ऐप इंस्टॉल हो जाए हम इस कैमरा को इस ड्रोन के अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इस कैमरा को इसके अंदर फिक्स कर सकते हो। फिलहाल मैं ग्लू की सहायता से इसको फिक्स करूँगा। आप इसके अंदर डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो कैमरा भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। तो आप ये अभी रेडी है। तो आप आपको अपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये इसके साथ अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इसका एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है, और GXFPV। तो प्ले पर क्लिक करते ही आपका जो ड्रोन का कैमरा है वो अपने मोबाइल में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन गाइस, इधर ही आती है एक ट्विस्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप इस ड्रोन को अपने मोबाइल से भी फ्लाई कर सकते हो क्या कैमरा लगाने के बाद। लेकिन गाइस, फिर मैंने देखा ये कैमरा के लगाने के बाद भी ये ड्रोन ये कैमरा इसका इसको फ्लाई नहीं कर पा रहा है इसके एप्लीकेशन से। तो मैंने सीखा और आपके भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी कैमरा अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकता है, जैसे कि ये कैमरा। इस कैमरा लगाने के बाद भी आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा मोबाइल से, आपको रिमोट से ही फ्लाई करना पड़ेगा। और आप इसे सिर्फ अपनी फुटेज देख सकते हो, कैमरा अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो लेकिन फ्लाई नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका वेट उठा ले रही है और फ्लाइंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसका कैमरा फुटेज के ऊपर जाते हैं।
तो गैस ये है इसका कैमरा फुटेज। तो गैस ये कैमरा ब्लरिश टाइप का आपको दिखाई दे रही है इसका फुटेज जो है। तो गैस मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये कैमरा जो पास की चीज़ें है यानी कि कैमरा के सामने कोई पास में कोई चीज़ें है उसको अच्छे से फोकस करता है, लेकिन दूर की चीज़ों को ये थोड़ा ब्लर टाइप का दिखाता है। फिर भी इसका कैमरा फुटेज मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा है, और आपको कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में बता देना। तो गैस उम्मीद है आपको इस कैमरा के बारे में सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया है। तो गैस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ऑल पर। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे सिर्फ कमेंट कर देना, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, और अगर वो प्रॉब्लम बड़ा सारा प्रॉब्लम होगा और कई सारा लोगों का होगा तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं।